अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सादी, वरमाला, हमारे लिए तो ये सब सपनों से भी दूर दुनिया की बातें थी, लेकिन इतनी अचानक से हो जाएगा, वो भी ऐसे, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। भोलेनाथ की कसम, हमने यानी गोपिका ने, हमारे साथ ये क्यों हुआ, शुरू से बताते हैं। ए, रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, पकड़ो उसे जल्दी। रुक जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब कैसे पकड़ेंगे इसे? हमारी गोपी तो बहुत बहादुर है, ऐसे हार नहीं मान सकते कभी। तुम हर नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखा सकती हो, पर इतनी सारी मुसीबतों का सामना तुमने अकेले ही तो किया है अब तक, और ये चोर, ये तो बस एक मामूली सा चोर है। हाँ, याद है ना तुम्हें हम क्या कहते हैं? डर गया जो मुसीबत से, वो हल कहाँ से पाएगा, रखा है जो भोले पे भरोसा, हर मुश्किल पार कर जाएगा। तो चले पकड़े उस चोर को। हाँ माई, चलिए। चलो चातिर बन रहा है ना? है? बहुत चातिर बन रहा है। ऐसा लगता है माई जैसे आप हमेशा हमारे साथ हो, हमारे पास हो, हर मुसीबत से हमें बाहर निकाल लेती हो।
गोपिका, बेटा तुमने तो कमाल कर दिया। हम तो कहीं रहे थे तुम्हें पुलिस में होना चाहिए। ओ गोपिका, तुम्हें क्या लगा कि हम एक चोर को नहीं पकड़ सकते हैं का? बिना बात के इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? काका ये लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग इस चोर को नहीं पकड़ सकते हैं। हम तो इसके पीछे इसलिए भागे क्योंकि ये चोर किसी की मेहनत के दिन और रात की कमाई लेकर भाग रहा था और ये हमसे देखा नहीं गया। मेहनत से कमाए हुए पैसों की हम बहुत इज्जत करते। अब चाहे वो आप लोगों की हो या फिर हमारी, हमारी माई ने हमें यही सिखाया है। हम जानते हैं आप हमेशा हमारे पास रहोगी। जी, यू रॉक, ये ड्राइव कमाल है और ये वीडियो तो वायरल होने वाला है। हमें लगता है उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई है, अब हमें उसे लेट गो कर देना चाहिए। बालगिन रुक जाइए, सुनिए तो सही। मालकिन रुकिए, हाथ जोड़ते हैं हम आपके सामने। गलती हो गई, छोड़ दीजिए इन्हें। इसे खोलना इतना आसान नहीं है, मतलब जानती हो ना इसका कि एक बार जो हमारे हाथों से बन जाए, जब तक हम रिहा ना करें वो कभी रिहा नहीं हो सकता। नहीं भाभी, रहने दीजिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, छोड़ दीजिए इन्हें। अब तो काम पे ना आने का कोई रीजंस नहीं है ना तुम्हारे पास? नहीं मैडम। गुड, घड़ी तो देखनी आती है ना? हाँ मैडम, एकदम टाइम से आ जाएंगे। और ना आने के वो सारे बहाने? नहीं नहीं, कोई बहाने नहीं मैडम, इन्हें छोड़ दीजिए। है तो नौकरानी लेकिन तेवर है प्रिंसेस वाले। रिलैक्स तंत्र, अब ये काम छोड़ना तो दूर की बात है, उसके बारे में लाइफ में कभी सोचेगी भी नहीं। पर हमें एक बात समझ में नहीं आई दीदी, काम छोड़ के तो ये गई थी, फिर हमने इसके हस्बैंड को क्यों पनिशमेंट दी? वो इसीलिए कि अगर हम इसे पनिशमेंट देते तो घर का काम कौन करता? इसे तो छुट्टी लेने का बहाना मिल जाता ना। राइट, यस। क्या हुआ? चीची, मैं तो 12 बजे से पहले घर पहुंच के वो फूल माला वगैरह सब तैयार करना था ना, 30 मिनट बचे हैं। ओह नो, अगर वो जेलर हमसे पहले घर पहुंच गया।
दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दादी माँ पता है आज ना गोपी आ गई, गोपी आ गई, मेरी गोपी आ गई। माँ आज हम इसे घर लेके जाएंगे ना? नहीं बेटा आज नहीं, अभी 5 दिन है, 5 दिन बाद आना और ले जाना। जिस दिन से खरीदा है ऐसे अपने बेटे के लिए, बस उसी दिन से दिन गिन रहा है हमारा कम्मू। और हमने भी इससे कह दिया है कि ज्यादा समय नहीं है। क्या तरीका है बर्ताव करने का? तेरे बचपन में बहुत पैसा देकर तुझे। हाँ जानते हैं, और ये भी पता है कि 50,000 लुटाना अभी बाकी है। अम्मा जी वो भी हम जल्दी लौटाते। जल्दी नहीं, 5 दिन, 5 दिन के बाद दुल्हन का कपड़ा भिजवा देंगे, तैयार रहना। 5 दिन है ना अभी, अगर हमारे पास 5 घंटे भी होते ना तो भी हम कुछ ना कुछ कर पैसों का इंतजाम कर ही लेते। पर इंसानों को जानवरों की तरह खरीदने का या बेचने का काम आप लोग करते होंगे, हम नहीं। सरस्वती अम्मा जी आज आप कुछ नहीं करेंगे। घर में खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है। तेवर देखो इस लड़की के, अरे गांव के सरपंच ही हैं ये। इन्होंने हमारी तब मदद की थी जब हम इतने मजबूर थे, हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे। तुझे तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन तू इतनी बदतमीजी कर रही है, इसे पैसों की कीमत नहीं होगी, पर हमें है। फूटी कौड़े कमाना तो जानती नहीं है, और जब हमने पैसे का बंदोबस्त किया तो इतना घमंड दिखा रही है। तुझसे तो हम बाद में निपटेंगे। माफ कीजिएगा सरपंच जी। क्या है ना, बच्ची है, समझ थोड़ी कम है, पर आप सब तो समझदार है ना। आप 5 दिन बाद बारात लेके जरूर आइएगा। हम देखते हैं कि कैसे ये मंडप में नहीं बैठती। आइए खसर। गोपी दुल्हन बनेगी मेरी, मैं दूल्हा बनूंगा। बड़ी जुबान निकल आई है ना तेरी। ठहर जा, अभी दिखाते हैं तुझे। चुप एकदम। सरस्वती तू क्या कर रही है? दादी क्या कर रही है ना? अम्मा जी आप हट जाइए, बहुत जुबान चलती है इसकी अकल को हम ठिकाने लगाते हैं। अब दादी मैं बाहर आ, तू दादी दादी बाहर निकल गई, तेरी कौन जुबान निकल गई है? हां घर में मेहमान आए, तमीज नहीं है? इधर थोड़ी अम्मा जी आप खड़ा कर। क्या बोल रही थी संपत जी के सामने में कि 50,000 का बंदोबस्त कर लेगी? कहां से कर लेगा, कहाँ है 50,000? अरे हमें भी तो दिखाई पड़े, घर में कहाँ छुपा के रखे हैं? किसके दम पे उछल रही है तू? है कोई? बोल कैसी बातें कर रही है तू? क्या गलत कह रहा है अम्मा जी? न जाने कब इस मनहूस से हमारा पीछा छूटेगा। मनहूस कहीं। दादी माँ Thank you.
पूरे एक मिनट लेट हैं आप तीनों। सॉरी ससुर जी, ससुर जी गलती हमारी है। हम ना वो मंगला के घर गए थे। मंगला जो हमारे घर में काम करती है, एक्चुअली वो उसका पति बीमार था तो काफी दिनों से ना घर में आई नहीं थी काम करने, तो हम बस उसके घर गए हालचाल पूछने। वाह वाह वाह, कितनी बड़ी हेल्प करके आई है मेरी बहुएं। वहां खड़ी सब देखते ही रह गए। मलिक साहब, हमारी बहुएं के लिए ताली तो बजाओ। आज इतना बड़ा दिन है, अंजलि को गए हुए पूरे 25 साल हो रहे हैं। ये फोटो पर माला किसने चढ़ाई? हमने पूछा अंजलि की इस फोटो पर इतनी सुंदर माला किसने चढ़ाई है? ओ या, हमने ये फूल फ्रेश मंगवाए हैं मॉर्निंग में स्पेशल इसके लिए। फूल तुमने मंगवाए थे लेकिन माला तो मैंने बनाई है ना खुद अपने हाथों से, एक एक फूल चुनकर। जिसने ये फूल मंगवाए, जिसने ये माला बनाई है, दोनों अंधे थे क्या? कमल के फूल कहाँ है? सब संतरा की गलती है, इसने फूल मंगवाए थे। हमने तो सिर्फ फूल मंगवाए थे ससुर जी, पर माला तो आपने बनाई थी ना, फूल देखने चाहिए थे माला बनाने से पहले। ऐसे बात करते हैं? चुप हो जाओ तुम दोनों, लड़ना बंद करो, ससुर जी से माफी मांगो। सॉरी ससुर जी, गलती हो गई। ससुर जी आप मुझे ना गलती सुधारने का मौका दीजिए, मैं अभी ना नया फूल बना के लेकर आती हूँ। हाँ ध्यान रहे, माला हमारी और अंजलि की वर माला की तरह होनी चाहिए। कमल, मोगरे और गुलाब के अलावा और कोई फूल नहीं होना चाहिए। जल्दी करो तुम तीनों, हमें पूजा के लिए जाना है। जी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। हम का माफ कर दी बेटा, बचपन में तो का कितना लाड़ प्यार से पाला पोसा, पर आज तेरी ये दादी कुछ नहीं करती। तो कब पता है बेटा, सरस्वती के आगे हम कुछ क्यों नहीं बोलते? उसके साथ एक साथ इतना कुछ घट गया है बेटा, उसने अपना बेटा खोया, पति खोया और अपना पोता। हमारा सिर कहाँ गायब हो गया और हमें बेटा, हमें तो कृष्णा के बिना ना ये जिंदगी पोछ ही रहती। नहीं दादी माँ, आप हम पर बोझ नहीं है, आप हमारी प्यारी दादी माँ है ना, और अगर आप हमारे साथ में है ना तो हम दुनिया की सारी जंग जीत लेंगे। अच्छा एक बात बता, कि तू जो घर में आई थी तो तू वहीं जाग रही थी, क्या बताना चाहती थी? हाँ दादी माँ, आपको पता है आज हमने एक चोर को पकड़ा। चोर? हाँ हाँ, असली वाले चोर को। दादी माँ वो जो चोर था ना, हवलदार का वॉलेट चुरा कर भाग रहा था, मतलब सबसे आगे चोर, चोर के पीछे हम और हमारे पीछे हवलदार, झुक 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 सब भाग रहे दादी माँ। लेकिन हमने भी क्या किया, उसके बाद में अपनी साइकिल उठाई, साइकिल तो वैसे तेज चल रही थी पर उसको पकड़ ही नहीं पाए। उसके बाद में दादी माँ हमने स्केटिंग बोल लिया और हमने जोर करके उसके पास फेंका और वो ऐसे धड़ाम से गिरा। दादी में सारे लोग यही बोल रहे थे कि उसके बाद में चोर हमारी वजह से पकड़ा गया। अच्छा? सारे लोगों ने दादी माँ हमारी ताली भी बजाई। हम भी बजाते हैं। क्या बात है, दादी पोती में तो बड़ा लाड़ प्यार चल रहा है, पर क्या किसी ने सोचा है कि रात को खाने में हम लोग क्या खाएंगे? या खाना सीधा आसमान से प्रकट होके आ जाएगा हमारे सामने? सरपंच के सामने तो बड़ी हीरोइन बन रही थी, ये गज भर लंबी जुबान निकाल के बोले जा रही थी, बोले जा रही थी। तो चल हमारे साथ। कहा
खाने जा रही है? अभी तो आई है बिचारी, थकी आ रही। ये और बिचारी, वाह अम्मा जी, आज हम इसे सिखाते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। चुप है, कब आवाज नहीं सुनना हमको तुम्हारे, एकदम चुप। खाने की थाली में रखने के लिए दाना नहीं है, पर ये महारानी 50,000 रुपए जमा करेगी। अम्मा जी की आज की दवाई और हम सबके खाने के पैसे लेके आ, उसके बाद सपने देखना। ये पकड़ भीख का कटोरा और भीख मांगकर लेके आना, वरना घर वापस मत आना अपनी ये मनहूस शक्ल हमें दिखाने के लिए। नहीं दादी, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम कहीं जाकर मजदूरी कर लेंगे, लेकिन दादी भीख मांगने का सवाल तो बिल्कुल नहीं उठता। अच्छा, कौन देगा तुझे मजदूरी? हमें तो लगता है ना कि तुझे भीख भी ना गनीमत से मिलेगी। भूलना मत, तेरी दादी को दवाई से पहले खाना खाना जरूरी है, इसलिए पैसे लेकर ही घर वापस आना, समझी? नहीं, हम भी नहीं मांगेंगे, ये हमारी मायके के संस्कार नहीं है, ना ही हम भीख मांगेंगे और ना ही हम हार मानेंगे। माई हमेशा कहती थी ना, डर गया जो मुसीबत से वो हल कहां से पाएगा, रखा है जो भोले पर भरोसा वो हर मुश्किल पार कर जाएगा। पता नहीं और कितने साल इन चाबियों के लिए जंप करना पड़ेगा। तुम दोनों ना इसे धूल समझकर ही खुश रहना, लेकिन मैं जानती हूँ कैसे खनखनाना है। कैसे? जेलर की दूसरी शादी।